जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस सेशन से एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी के पेपर को देखते हुए मिशन इंस्टीट्यूट में एक सीरीज चलाई जा रही है, जहाँ डेली आपको 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और वो सभी क्वेश्चन बेटा चैप्टर वाइज होने वाले हैं और उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उन बच्चों के लिए भी बहुत आसान पड़ेगी, अच्छी चीज़ें हैं यदि सीखना चाहे, जो बच्चे अभी बिगनिंग में शुरुआत की हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लॉजिक को डिस्कस करते हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है, हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। और इसी सीरीज में बच्चे नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटा, जहाँ पर आप रीजनिंग में देखते होंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को और देखते हैं कि 25 क्वेश्चन वो कौन से हैं जिन्हें हमें आज करने हैं। तो आपके सामने बेटा पहला क्वेश्चन रहा, मैं डिटेल में डिस्कस भी करता रहूंगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा और देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, निम्नलिखित प्रश्न में से आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। निम्नलिखित संख्यात्मक अंकों का, बेटा यहाँ आप देखोगे तो एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन लिखा गया बेटा 70, गैप है उसके बाद 7, वहां से लिखा गया बेटा 113 और यहाँ पर लिखा गया है 13 और इक्वल में रखा गया बेटा 390। इस क्वेश्चन को एक बार सभी लोग समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इन संख्याओं के बीच में यदि आप देखोगे तो कुछ चीजें आपकी मिसिंग दी गई है और नीचे आपके साइन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शन का यूज करें जिससे हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए और किसके होना चाहिए 390 के। तो ऑप्शन पहले समझ लेते हैं हम इस क्वेश्चन का फॉर्मेट, फिर बेटा शुरू करेंगे, थोड़ा सा टाइम देना। पहले में लिखा गया बेटा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में प्लस रखो, इनके बीच में माइनस और इनके बीच में मल्टीप्लाई। तो एक बार आप सोच कर बताना होता है कि क्या इक्वेशन हो सकता है और क्या इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो बेटा आप चारों ऑप्शन हमें रखने की जरूरत नहीं होती है, हमें एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, हम किस बेस पर अपना आंसर दे सकते। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पहले ऑप्शन से शुरू करेंगे, पहले से नहीं मिलेगा, दूसरे को चेक करेंगे, तीसरे को चेक करेंगे बेटा, चौथे को चेक करेंगे, लेकिन यह तरीका आपका सही नहीं है आज के पेपर के अकॉर्डिंग। आज के पेपर में जो आप देखते हो, जब डील करोगे पेपर क्वेश्चन से, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि आपका टाइम मैनेज नहीं होता है। तो हमें टाइम मैनेज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ हमें सोचने की जरूरत है। बेटा चलो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पहले आंसर से बेटा सी आंसर, यदि कहीं पर डिवाइड की सीरीज दिखे ना बेटा, साइन दिखे, तो पहले उस ऑप्शन को चेक करना कि क्या यह पॉसिबल है या नहीं। बेटा यहाँ पर होगा डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई होगा, दूसरे पर क्या साइन आना चाहिए था, डिवाइड। तो बेटा 7/113 बेटा 7/113, तो आपको यह डिवाइड कर सकते हो क्या, 7 से बेटा 113 डिवाइड हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर 7 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना 43, तो 7×6=42 होता है, 43 नहीं, और ये डिवाइड नहीं होगी तो वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी, तो कभी भी बेटा एक क्वेश्चन आपका 390 नहीं आ सकता। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है बेटा, एटलीस्ट कोशिश करो कि दो ऑप्शन आप कैंसिल आउट हो जाए ताकि दो पे आप गेम खेल सको, चारों पे यदि गेम खेलोगे बेटा टाइम लॉस होगा। मान लो पहला आपका सही ना हो, तीसरा हो या चौथा हो, तो आप टाइम लॉस कर दोगे, जितना तीन सॉल्व करोगे उतने में तीन क्वेश्चन और कर सकते हो बेटा। आगे क्वेश्चन पर जाते हैं और सोचते हैं क्या वो चीजें हो सकती हैं कि नहीं। बेटा पहले ऑप्शन पर आना बेटा, प्लस लिखा गया है, माइनस लिखा गया, मल्टीप्लाई। यदि प्लस और माइनस की बात करोगे तो जो दूसरे पहले वाले पर दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा बेटा, प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ कितना होगा, मल्टीप्लाई। जरा बेटा सोचो 113 को आप किससे गुणा करोगे, 13 से, संख्या बहुत बड़ी आएगी, और बेटा 77 से घटाने पर वह संख्या 390 आ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकती बेटा। तो ऑब्जर्वेशन बेस पर हमारा सी आंसर हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, या तो ए सही होगा या तो क्या सही होगा आपका, डी। अब आप चाहो तो ए को बना लो या किसे बना सकते हो, डी। बी ऑप्शन बेटा इसलिए गलत किए हमने
सॉरी बी नहीं बेटा, ए वाले ऑप्शन गलत किया गया था। ए वाला ऑप्शन हमने इसलिए गलत किया, सी ऑप्शन इसलिए गलत है, डिवाइड का साइन है, 7/113 डिवाइड नहीं हो सकता है। पहले वाले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई साइन। सोच कर देखो, 113 को 13 से गुणा करना और बेटा 77 से घटाना है, आंसर आ सकता है क्या 390? बिल्कुल नहीं। तो बेटा ए भी आपका गलत होगा, या तो बी होगा सही या तो क्या होगा डी, किसी एक पर आप सॉल्व कर सकते हो, देखो किस पर आंसर आ सकता है। तो चलो बी ऑप्शन पे ही चेक कर लेते हैं, डी बना लेते हैं। बेटा डी को बनाना है एक बार, 70 गुणे कितना बेटा, पहले साइन रखना मल्टीप्लाई, गुणे 7 का दूसरी बार रखना बेटा माइनस, कितना 113, और प्लस कितना रखना बेटा 13, 7 सते कितना हो गया बेटा, 7 सते हो गया 49, 490 माइनस बेटा 113 होगा, और यहाँ पर प्लस कितना रखा गया है 13। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट मेथड से भी करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आ सकता है बेटा, 10 में से इसको जोड़ सकते हो, 490 13, 3 9 1 10 को सुनना, 500 कितना हो गया 3, 113 घटाओगे 3 में से 3 जाए बेटा 0 और 10 में से 1 जाए 9, तो बेटा बी आंसर हमारा सही है। एक को तुम्हें बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है मल्टीप्लाई, यदि जहां साइन दिया गया है बेटा, यदि उस साइन को हम घटाना यानी माइनस मान ले, और बेटा जहां प्लस लिखा गया है वहां मल्टीप्लाई का साइन मान ले। एक बार साइन को आपके सामने रख देते हैं, मल्टीप्लाई का अर्थ होगा बेटा माइनस का होगा, जहां प्लस होगा वहां हमें सोचना है मल्टीप्लाई का साइन, और जहां बेटा माइनस होगा वहां सोचना है बेटा प्लस का साइन, और तीन ही चीजें सोचनी है बेटा, इनके अलावा कोई तीन साइन के अलावा यूज भी नहीं हुआ, तो तीन साइन सोचना है। जरा सोच कर बताना आंसर आपका क्या हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा गया बेटा 6, और जहां प्लस का साइन है वहां हमें कौन सा साइन सोचना है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन सोचना है, और यदि आप कोष्टक में जाओगे तो 3 लिखा जाए, जहां मल्टीप्लाई का साइन है वहां माइनस का साइन सोचना है, और बाद में क्या लिखना है बच्चे 5। एक आप रूल जानते हो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, क्लासरूम में हमने डिस्कस किया था बी ओ डी एम एस के बारे में, इसे लेफ्ट से राइट को ही प्रियोरिटी देते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपको, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और सबट्रैक्शन को, यह हमारा फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे बेटा, तो आप कहोगे कि मैं सबसे पहले सॉल्व करेंगे सर, अच्छा प्लस का साइन का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा या मल्टीप्लाई का साइन, तो आप कहोगे सबसे पहले कोष्टक ब्रैकेट में चीज जो होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो 3 में से 1 गया बेटा 2, 6 दूना कितना हो गया 12, 12 गुणे कितना हो गया 5, 5 का मतलब कितना हो गया 60, उसी आंसर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है बेटा, साइन कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। आप एक चीज याद रखना बेटा कि आपकी सारी चीजें डिपेंड होने वाली हैं आज के समय के जो पेपर हो रहे हैं स्पीड के ऊपर। यदि आपके पास में स्पीड नहीं है तो यकीन कीजिए आज के इस दौर में जहाँ इतने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं कम सीटों के लिए, वहाँ सिलेक्शन लेना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। तो हमेशा आप स्पीड पर जरूर फोकस कीजिएगा, टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा, मैनेज करेंगे टाइम को तो ही आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि हम अपने पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, तो बेटा वही लड़का अटेम्प्ट कर पाता है जिसका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। यदि आप किसी क्वेश्चन पर, जो जिस क्वेश्चन पर आपको 20 सेकेंड देना चाहिए था, आप उस क्वेश्चन पर बेटा 2 मिनट टाइम दे रहे हो, तो आप कभी भी मैक्सिमम अटेम्प्ट आप अपने पेपर में नहीं कर सकते हो। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सोच कर बताइएगा कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन में यह कहा गया है बेटा, जहां पर मल्टीप्लाई का साइन है वहां पर क्या साइन मान लिया जाएगा माइनस, जहां डिवाइड है वहां मान लिया जाए बेटा प्लस, और जहां माइनस है वहां मान लिया जाए बेटा, चलो एक बार सोचते, माइनस है जहां पर, सोचते सुना और देखना बेटा, जहां प्लस साइन है वहां क्या मान लिया जाए बेटा गुणा, तो यहाँ डिवाइड का ही साइन होगा, यही हो सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर डिवाइड का साइन मान लेते हैं, देखते हैं आंसर आता है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक देख रही है बेटा, यही हो सकता है। चलो इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि सारे साइन आ चुके थे, डिवाइड का ही साइन नहीं था, तो उसको चेक करते हैं बेटा। जहां पर प्लस होगा वहां मानना है बेटा मल्टीप्लाई, जहां पर प्लस होगा वहां पर मानना है बेटा, एक सेकंड, प्लस के लिए क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग भी दिक्कत दिख रही है बेटा। मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन यूज करोगे, माइनस,
बेटा डिवाइड के लिए कौन सा साइन यूज करोगे, तो आप कहोगे सर प्लस का, और जहां माइनस है वहां अभी कुछ दिख नहीं रहा है, चलो इसको छोड़ते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है, और जहां बेटा प्लस है वहां आप कौन सा साइन यूज करोगे, तो आप कहोगे सर जहां प्लस होगा वहां हम साइन यूज करेंगे मल्टीप्लाई का, जिस क्वेश्चन के बेस पर दिख रहा है बेटा उस क्वेश्चन पर हम पूछते हैं। तो एक साइन हमें मिसिंग दिख रहा है तो डिवाइड ही मान लीजिएगा, बाकी सारे साइन तो हो चुके हैं। चलिए इसी बेस पर हम अपना आंसर देने की कोशिश करते हैं बेटा। 26 जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई मानोगे कितना हो जाएगा बेटा 74। जहां माइनस का साइन है वहां पे हमें डिवाइड का साइन मानना पड़ेगा, और कितना मान लोगे बेटा 4। कितना मानोगे बेटा 4 मान लो, माइनस की साइन की जगह पर क्या मानना होगा डिवाइड का साइन। हमने डिवाइड का साइन देखना बेटा अपने तरीके से रखा है, देखते हैं आंसर आ सकता है कि नहीं। बेटा मल्टीप्लाई के साइन की जगह पर माइनस मान लोगे और डिवाइड के साइन की जगह पर क्या मान लोगे बेटा। तो सबसे पहले हम डिवाइड को ही कोशिश करते हैं कट करने की बेटा, तो कट करना बेटा, या इस तरीके से क्वेश्चन बनेगी, पेपर में इतना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट करना, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। -5 + कितना बनेगा आपका 2, बोर्ड पर देखिएगा, 2 से काटोगे बेटा 13, और 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 200 से कितना हो जाएगा 34, तो बेटा कितना हो जाएगा 7 × 7 = 14, 37 × कितना आएगा 13। यदि 37 × बेटा 13 करोगे तो 7 × 3 = 21, कैरी 2 × 3 = 9, 1 × 10 से कितना हो जाएगा 11। 7 × 21 को 1, कैरी 2 × 3 = 9, 10 × 11, और उसके बाद से यहाँ पर 37 तो बेटा लिखोगे 1 × 7 = 8, 481 -5 + कितना बेटा 2, तो 481 2 कितना हो जाएगा 483, 83 में से 5 घटाओगे तो 13 में से 5 गया बेटा क्या हो जाएगा 8, और यहाँ 7 बचेगा तो 478 हमारा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है सही है, यहाँ डिवाइड का ही साइन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सर। क्वेश्चन में कहा गया मल्टीप्लाई के साइन की जगह पर माइनस का साइन रखा जाएगा, डिवाइड के साइन की जगह पर प्लस, और यहाँ पर डिवाइड लिख लेना बेटा, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो निम्नलिखित का आप आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा, 10 × का अर्थ होगा बेटा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 5, यह ब्रैकेट्स में है तो ब्रैकेट में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, इस चीज का ध्यान देना बेटा। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि डिवाइड का साइन होगा तो यहाँ डिवाइड ही मिसिंग दिख रहा था, अच्छा डिवाइड का साइन होगा, एक डिवाइड का साइन होगा तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा प्लस, और बेटा प्लस यहाँ पर होगा, प्लस की जगह पर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई, कितना लिखोगे बेटा 3। दूसरे वाले क्वेश्चन में बेटा यहाँ पर जो साइन था प्लस ही हो सकता है, क्योंकि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो गया है तो बचा हुआ नंबर ही रिप्रेजेंट है। 10 में से 5 गया, कितना बचा भाई 5, और 5 × 15 कितना हो जाएगा भाई 20, तो यहाँ से आंसर हमारा डी आएगा बेटा, यहाँ प्लस होगा, इस चीज का ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 है बेटा, सेम तरीके से अल्फाबेट दिए गए हैं, 2 नंबर के बीच में अल्फाबेट को किसी साइन से रिप्रेजेंटेशन किया गया है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या सारी चीजें हो सकती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 1 का अर्थ है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इसके बारे में देखो बेटा। क्वेश्चन है 7, 7 के बाद से ए लिखा गया था, ए का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, उसके बाद से 4 लिखा गया, 4 के बाद से डी, डी का मतलब होगा बेटा प्लस, कितना हो जाएगा बेटा 4, फिर ए लिखा गया है, ए का मतलब बेटा मल्टीप्लाई, फिर से 3 लिखा गया है, और जी का मतलब है बेटा माइनस, कितना लिखा गया है बेटा 2। चलिए 7 × 28 और प्लस कितना 4 × 3 = 12, -2 तो 8 × 2 = 10, 0 × 2 = 4 बटा 40 − 2 = 29, तो बी आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। सेम रिप्रेजेंटेशन है बेटा, साइन को किसी अदर साइन से रिप्लेस करना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर डिवाइड मान लेना बेटा, यहाँ डिवाइड होगा, एक ही साइन मिसिंग दिख रहा है इसलिए डिवाइड ही मान के हम आंसर देते हैं, टाइप क्वेश्चन लिखा मिलेगा बेटा, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ डिवाइड का साइन। चलिए सोचकर इसका आंसर दीजिए बेटा, आंसर इसका क्या है 14, जहां पर मल्टीप्लाई का साइन है वहां पर हमें क्या मानने की जरूरत है बेटा प्लस, 14 + कितना हो जाएगा 4, और बेटा जहां पर डिवाइड का साइन है, यहां पर डिवाइड का साइन है, प्लस का अर्थ है बेटा क्या माइनस, के यहाँ डिवाइड का साइन होगा, यहाँ कॉमा टाइपिंग है बेटा नहीं आ गया है बेटा, यहाँ डिवाइड ही करना,
14 प्लस कितना लिखोगे बेटा, 4। और यदि यहां पर डिवाइड का साइन होगा तो डिवाइड का मतलब होगा बेटा माइनस कितना बटे 70, और जहां पर प्लस का साइन होगा वहां कौन सा साइन होगा बेटा डिवाइड का, कितना हो जाएगा 10, और जहां माइनस का अर्थ होगा बेटा मल्टीप्लाई, तो गुणे कितना हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 14, सीरियल से मत करो बेटा, आपको बॉड मॉस का रूल लगाना जरूर है लेकिन टाइम वेस्ट मत करना है, स्टेप स्टेप में ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है। 14 4 कितना हो जाएगा भाई 18, 18 में से इसको डिवाइड करो तो बेटा 10 हो जाएगा, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, बचेगा कितना 4, तो हमारा सी आंसर सही है। तो सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप सोचकर रिप्लाई दीजिएगा किसका आंसर बेटा क्या आएगा। चलिए हम कहते हैं स्टार के प्रतीक को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय प्रतीकों का सही संयोजन कीजिए बेटा। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी गई है और इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करके बताना है कि किस साइन के साथ में यदि हम रिप्लेस करें तो हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। सोच कर एक बार बताइए क्या ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चलिए लिखा गया है बेटा 8, उसके बाद से यहाँ बनाया गया था बेटा स्टार, यहाँ बनाया गया था बेटा 5, फिर से यहाँ बनाया गया था स्टार, 10 था स्टार, यहाँ पर बेटा 2 था, यहाँ पर स्टार आपको क्या दिख रहा था 25। किस साइन के साथ में आप यह जा सकते थे तो हो सकता था, तो बेटा किसी एक ऑप्शन पे आपको जाना चाहिए जहां से आंसर निकल सके। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे, यहाँ कौन सा साइन हो जाता है बेटा प्लस का, यहाँ कौन सा साइन रखना पड़ता है बेटा गुणे का, यहाँ बेटा होता है हमारा प्लस का साइन, यहाँ होता है बेटा गुणे का साइन, यहाँ होता है डिवाइड का साइन, यहाँ होता है बेटा मल्टीप्लाई का साइन, इक्वल का साइन। बेटा 25 के इक्वल होना चाहिए था, तो क्या 25 के इक्वल आ सकता था क्या बेटा, 10 25 50, इसको अगर करते 2 से कट करते तो बेटा कितना आ जाता 5, और 5 25 25, 8 5 13 बेटा 23 होता। पहले ऑप्शन से हम आंसर नहीं दे सकते थे, दूसरे ऑप्शन पे यदि जाते तो बेटा यहाँ पर प्लस होता तो 8 प्लस कितना हो जाता 5, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाता बेटा 10, माइनस कितना हो जाता 2, और बराबर कितना हो जाता 25। क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बेटा 25 आ सकती है क्या बेटा, कभी भी नहीं, तो बी आंसर से भी नहीं हो सकता है। सी को एक बार आप चेक करके बताइए सी हो सकता है क्या, तो 8 गुणे कितना लिखना पड़ता है बेटा 5, और प्लस कितना लिखना पड़ता 10, प्लस लिखना पड़ता आपको 10, उसके बाद से तीसरे वाले पर आपको इक्वल लिखना पड़ता है, और यहाँ पर कितना लिखना पड़ता है बेटा 2 गुणे 25, यही बनेगा। आप देख लीजिए 8 5 कितना 40 10 50, दोनों जगह बेटा 50 50 आ जाएगा, उसी आंसर हमारा सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन पर, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसका जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए जहां पर बेटा कामा दिख रहा है वहां हर जगह बेटा डिवाइड का साइन, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है, और यहाँ पर भी बेटा डिवाइड का साइन है, यहाँ पर भी आपका डिवाइड का साइन है। अब आप आंसर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आपको टाइम मैनेज करने के लिए, 4 इक्वेशन दिख रखा, किस इक्वेशन के साथ जाकर हम आंसर दे सकते हैं, यह सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से टाइम मैनेज करोगे यह सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो हम चलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता और कौन सा आंसर हमारा सही नहीं हो सकता। क्वेश्चन में कहा गया बेटा जहां माइनस है वहां हमें रखने की जरूरत है बेटा जोड़ का, प्लस का साइन, जहां डिवाइड होगा बेटा वहां हमें क्या मानने की जरूरत है बेटा गुणे का साइन, जहां गुणे का साइन होगा वहां हमें माइनस करना है, और जहां बेटा प्लस का साइन होगा वहां भाग करना होगा, एक ही साइन बच रहा है बेटा यहाँ पर, और प्लस भाग के लिए आता है तो बेटा प्लस किसके लिए आएगा बेटा। अब सोचकर बताओ क्या आंसर बेटा, राइट हैंड साइड के यदि आप वैल्यू देखोगे तो सारे बच्चे नंबर रियल नंबर दिख रहे हैं, कहीं पर आपको पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें हमेशा याद रखना बेटा, हमें वह तरीका अपनाना चाहिए कि यदि यहाँ 16 आया, 15 आया, 21 आया और 20 आया, तो बेटा यदि यहाँ इधर कोई पॉइंट में डिवाइड करने के बाद से आएगा तो वह यदि पॉइंट ही बना रहेगा और किसी संख्या में जुड़ता रहेगा या घटता रहेगा तो हमेशा पॉइंट में आंसर आएगा। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि जहां पर प्लस रखना है बेटा वहां क्या करना है डिवाइड, तो
तो बेटा इसको डिवाइड करोगे तो चार डिवाइडेड बाय, पहले ऑप्शन पर हम चलते हैं, चार डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है 6, और जहां डिवाइड है वहां बेटा कौन सा करना है बेटा मल्टीप्लाई, तो इसको करते तो 2 2 बटे कितना हो जाता 3, तो बेटा 3 से 14 कट सकता था क्या? नहीं, और कट नहीं सकता था बेटा, यह पॉइंट में आता जबकि पहला आंसर हमारा हो नहीं सकता है क्योंकि किसमें आ रहा है बेटा पॉइंट। आते हैं हम बी क्वेश्चन पर, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है या नहीं, तो बेटा जहां प्लस का साइन है वहां हमें रखना है डिवाइड का साइन, तो यहाँ हम डिवाइड का साइन रख दे बेटा 12 बटे कितना 14, और उसके बाद से जहां डिवाइड का साइन है वहां क्या रखना है बेटा मल्टीप्लाई, सोच कर देखना बेटा 12 बटे 14 और गुणे बेटा कितना हो जाएगा 2 2 के पावर बटे 7, क्या 12 बटे 7 कटेगा क्या यहाँ से? नहीं, और जब कटेगा नहीं तो किसी संख्या से घटाते रहो बेटा, यदि पॉइंट में आ गया तो घटाते रहो जोड़ते रहो, आपका आंसर पॉइंट में आएगा, इसीलिए बी आंसर हमारा क्या है गलत होगा। सी वाले ऑप्शन की तरफ मूव करते हो, जहां प्लस रखना वहां आपने क्या रख दिया बेटा डिवाइड का साइन, जहां प्लस रखना था वहां हमने डिवाइड रख दिया, और जहां बेटा डिवाइड था वहां क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा यह सोच कर बताओ क्या सारी संख्या कट जाएगी या बचेगी? 5 15 बट्टे 5 बराबर 3, 3 को 4 से गुणा करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 12, यानी यह पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो इसका सोच लेना बेटा, 25 माइनस की जगह पर प्लस 15 डिवाइडेड बाय कितना लिखना है बेटा 5 गुणे कितना लिखना है बेटा 4, और जहां गुणे का साइन होगा वहां माइनस कितना कर देना बेटा 16, कितना आंसर आना चाहिए 21, 5 से काटोगे तो बेटा 3 4 3 12, तो 25 प्लस आपका हो जाएगा 12 माइनस 16 बराबर 21 आना चाहिए, 5 2 7 7 में 6 घटेगा 1, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, सी इज द हमारा राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन देखना, यदि चलो पहली लाइन में कुछ चीजें नहीं दिख रही, क्वेश्चन को सॉल्व कर एक बार सोच कर बताना इसका आंसर क्या है। यदि छोड़ दो बेटा कोई साइन एक मिसिंग अभी देख लेते हैं क्या, माइनस का अर्थ बेटा क्या लिखा गया गुणा, और डिवाइड का अर्थ बेटा बताया गया है आपका योग करना है, और उसके बाद से और गुणे का अर्थ आपका बताया गया है बेटा भाग, गुणे का अर्थ बताया गया भाग, तो एक साइन ही मिसिंग होगा बेटा प्लस होगा, और प्लस के साइन का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ प्लस रहा होगा। चलो अब सोच कर बताना बेटा आंसर हमारा कौन सा सही होगा और कौन सा आंसर हमारा सही नहीं। चलो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अपना आंसर देते हैं बेटा, 10 लिखना है और जहां डिवाइड है वहां लिखना है बेटा प्लस का साइन, जहां पर डिवाइड का साइन होगा वहां पर हम प्लस का साइन रखेंगे बेटा, उसके बाद से जहां पर प्लस का साइन होगा वहां माइनस का साइन, जहां मल्टीप्लाई होगा वहां बेटा डिवाइड का साइन, और जहां माइनस का साइन होगा बेटा वहां मल्टीप्लाई का साइन, और यही हमें बताना है कि इक्वेशन की वैल्यू कितनी आएगी। तो बेटा 10 5 कितना हो गया 15 15 माइनस कितना हो गया 1.5, गुणे कितना हो गया बच्चे 3 हो गया, कितना हो गया आपका 3 हो चुका है, तो 15 में से 4.5 घटाओगे यानी 15 में से यदि -15 45 तो आपका आ जाएगा बेटा 4.5, और यदि 15 में से 4.5 की वैल्यू निकालोगे आपका आएगा बेटा 15 में से 4.5, 10 में से 5 जाए बेटा 5, बेटा यहाँ बचेगा 0, तो बेटा कितना आ जाएगा 10.5 आएगा, तो बेटा इसी का आंसर आ सकता था बेटा कितना 10.5, 10.5 इज द राइट आंसर, बी आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन में बेटा पी व्यक्त करता है, चलो पी का साइन ही नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बड़ा। 11 नंबर क्वेश्चन को एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आएगा, स्क्रीन के सामने दिख रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बड़ा। माइनस की मीनिंग होगी बेटा इक्वल, जहां माइनस होगा वहां इक्वल लिखोगे जोड़ होगा बेटा, जहां माइनस का साइन होगा उसका मतलब होता है माइनस बराबर कितना जोड़, जोड़ मतलब कौन सा साइन प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब कितना हो जाएगा, तो जहां मल्टीप्लाई होगा वहां हमें डिवाइड सोचना है, और जहां डिवाइड होगा वहां बेटा हमें सोचने की जरूरत है माइनस का, और जहां प्लस होगा वहां सोचने की जरूरत है क्या बेटा इक्वल का। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बताइए क्या आंसर हो सकता है, तो बेटा यहाँ दिखेगा 15, और 15 जहां माइनस है वहां प्लस सोचोगे तो बेटा 10, जहां मल्टीप्लाई है वहां सोचोगे बेटा डिवाइड, तो 2,
और आपके यही बराबर वैल्यू पूछी गई थी। तो बेटा 2 के पावर 5, तो 15 5 कितना हो जाएगा? 20। तो डी आंसर इज हमारा राइट आंसर होगा, देखना था। उसके बाद से आना बेटा, सेम क्वेश्चन है पैटर्न पे, 18 लिखा जाएगा, जो 18 लिखा जाएगा और जहां प्लस का साइन होगा वहां क्या रखोगे बेटा? गुणे का साइन रखोगे। तो 18 गुणे कितना हो जाएगा? 4। जहां डिवाइड का साइन होगा तो बेटा डिवाइड का मतलब होगा बेटा माइनस, कितना हो जाएगा? 30। और जहां माइनस का साइन होगा वहां पर रखना बच्चे प्लस, कितना बेटा? 12। आंसर सोच के बताइएगा, 18 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 72। माइनस कितना? 30। प्लस कितना? 12। चलो सोच कर बताना बेटा, यहाँ से गया तो यदि 72 से आप यदि 30 घटा देते हो तो आपका बचेगा बेटा कितना? 42। और 42 प्लस 12 जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? तो 42 10 52 52 2 कितना? 54। इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिख रहा है, जल्दी से आप सभी लोग इसका रिप्लाई कीजिएगा। बेटा 14 है, जहां प्लस का साइन होगा वहां हमें कौन सा साइन मानना है बेटा? गुणे का। और जहां माइनस का साइन होगा वहां लिखना है बेटा जोड़ का। और जहां मल्टीप्लाई का साइन होगा वहां डिवाइड करना है बेटा, किससे? डिवाइड का साइन लिखना। 4 से गया बेटा 4, क्योंकि सबसे पहले हम डिवाइड डिविजन करते हैं बेटा। 14 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 10 बराबर 140 प्लस 1 बराबर 141। मूव करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सोच कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो 14 नंबर आपके सामने, यदि प्लस का भाग से दर्शाया जाता है बेटा, सोचना जरा, प्लस जहां पर साइन होगा उसे हम समझेंगे बेटा कौन सा साइन। तो आप कहोगे सर डिवाइड। जहां माइनस होगा उसको समझा जाएगा आपका मल्टीप्लाई के साइन से। जोड़ को क्या समझोगे बेटा? प्लस के साइन को, डिवाइड के साइन को। और ग्रेटर देन यदि कहीं पर दिखेगा उसे समझेंगे बेटा इक्वल के। और बेटा जहां छोटा यानी लेस देन का साइन होगा उसे समझेंगे बेटा इक्वल। छोटे को ग्रेटर देन से समझा जाएगा, छोटे को बेटा किस साइन से समझा जाएगा? ग्रेटर देन से। और लेस देन को बेटा किस तरीके, और बूढ़े को किस तरीके से समझा जाएगा? तो आप कहोगे सर लेस देन से। चलो ये आपके 5 6 साइन यूज हुए हैं, आपको बहुत सोच समझ कर रिप्लाई करने की जरूरत है बेटा। चलो हम आंसर चेक करते हैं किस ऑप्शन से हो सकता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन में कहा गया जहां प्लस है वहां आप क्या मान लो? तो जहां पर प्लस का साइन होगा, आप यहां लास्ट में देखिए, जहां प्लस का साइन यहां पर बताया गया है उसे क्या दर्शाया गया बेटा? प्लस को भाग। तो यहाँ किससे डिवाइड हो जाएगा बेटा? 2 से। जहां मल्टीप्लाई का साइन है वहां मान लो बेटा लेस देन का साइन। और जहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल को आपको किसी तरीके से, इक्वल को आपको छोटे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया बेटा। साइन का कन्वर्जन एक बार मैं फिर से बोर्ड पर लिख देता हूँ बेटा। जहां पर लिखा गया है प्लस उसे दर्शाया गया है बेटा किससे भाग। जहां माइनस लिखा गया है वह बेटा दर्शाया गया है किससे? बराबर से। माइनस का मतलब क्या है? बराबर, माइनस बराबरी को। और जहां मल्टीप्लाई है वह आपको दर्शाया गया है बेटा प्लस से। जहां डिवाइड है उसे दर्शाया गया है बेटा ग्रेटर देन से। डिवाइड बड़े को, इक्वल आपको दर्शाया गया है बच्चे लेस देन को। उसी तरीके से यदि बड़े ग्रेटर देन के बारे में सोचोगे उसे दर्शाया गया है बेटा मल्टीप्लाई को, साइन को। तथा लेस देन साइन को सोचोगे तो उसे घटाया गया है बेटा माइनस। चलो यानी प्लस का मतलब हो जाएगा बेटा डिवाइड, और मल्टीप्लाई का बेटा मतलब हो जाएगा आपका प्लस। और आगे जाओगे तो इक्वल को आपको लेस देन समझने की जरूरत है। और जहां पर फिर से प्लस का साइन होगा वहां डिवाइड का साइन, और जहां ग्रेटर देन होगा वहां हमें समझने की जरूरत है मल्टीप्लाई। अरे 5/2 = 2.5 से 3.5 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। या इधर देखोगे तो बटे 3/4 गुणे कितना दे रखा है बेटा? 1। यदि इस पहले वाले इक्वेशन के बारे में सोचोगे तो आंसर निकाल सकते हो क्या? पहले वाला आंसर दे सकता है कि यदि यहाँ पर इक्वल के बराबर साइन है लेस देन का, तो 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.5। और बेटा 1 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3.5। और बराबर के साइन की जगह पर यदि लेस देन रखना है
तीन बट्टे चार की मीनिंग आपको 3.5 क्या है? कभी आंसर आ सकता है क्या? 3/4 हमेशा 3.5 से छोटा ही आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं है बेटा, बी ऑप्शन पे चलेगा। बी ऑप्शन में मीनिंग यह है कि पांच, बी ऑप्शन को मैं राइट साइड में लिख के बताता हूं। चलिए, लिखा गया पांच, पांच इज ग्रेटर देन का मतलब होगा बेटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे बेटा, दो से, दो के बाद मल्टीप्लाई का मतलब होगा बेटा प्लस वन, उसके बाद से जहां पर माइनस का साइन आएगा बेटा वहां आएगा इक्वल का साइन, उसके बाद से लिखा गया है बच्चे, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, यदि इस चीज को नोट कर लिए हो तो हम आते हैं बेटा दूसरे वाले ऑप्शन पे, सारी चीजें मिटा कर लिखते हैं बेटा। पांच ग्रेटर देन का मतलब होगा बेटा, आपको बड़े का मतलब क्या बताया गया था, तो बड़े को बेटा किस साइन से करते हैं, तो बेटा बराबर के साइन, इस साइन को एक बार मैं लिख देता हूँ फिर से, बोर्ड पे मिट चुका है, डिवाइड प्लस को बेटा डिवाइड, माइनस को बेटा इक्वल से, मल्टीप्लाई को बेटा प्लस से, डिवाइड को बेटा बड़े से, बराबर को आपको छोटे से, और बड़े को आपको मल्टीप्लाई से, और छोटे को बेटा घटाने से रिप्रेजेंट करना। चलो बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, पांच बड़ा बताया गया दो से, तो जहां बड़े का साइन होगा वहां मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, जहां मल्टीप्लाई होगा बेटा वहां प्लस, जहां माइनस का साइन होगा वहां पर बेटा बराबर तीन, जहां बड़े का साइन होगा वहां पर बेटा मल्टीप्लाई का साइन, जहां छोटे का साइन होगा बेटा वहां पर माइनस का साइन। तो तीन बड़ा किससे बताया गया, चार से, तो तीन गुणे चार माइनस कितना हो जाएगा एक, बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी 11 आ गई, तो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन आपका। चलिए 16 नंबर, 15 नंबर है बेटा, बी ऑप्शन सही था, 16 को एक बार सॉल्व करके बताना। 16 में बताया गया है प्लस को हमें देना है बेटा, भाग देना है, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है बेटा माइनस का, माइनस का अर्थ है बेटा जोड़ने से, साइन कन्वर्जन करते हैं, और किस ऑप्शन से हमारा आंसर आएगा उसको बारे में सोचते हैं। एक हमने लॉजिक बताया बेटा अभी कुछ टाइम पहले, यदि राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू बेटा पॉइंट में नहीं दिख रही है, यदि किसी संख्या को डिवाइड करने के बाद से पॉइंट आ जाए उसमें, आप यदि माइनस करोगे कोई रियल नंबर तो पॉइंट में ही आएगा, जोड़ोगे तो भी पॉइंट में आएगा, तो सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि हम जहां पर बेटा डिवाइड कर रहे हैं उसके बारे में सोचें और वहां से ऑप्शन को इलिमिनेट करने की कोशिश करें। 16 नंबर आपके ऑप्शन दिख रहा, पहले के बारे में सोचना, जहां प्लस है वहां क्या रख देना है बेटा डिवाइड, बेटा 7/5 कितना हो गया 5, आप सोच कर बताओ 7/5 जब करोगे तो क्या आपको पॉइंट में वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, निश्चित ही आएगी, और जब पॉइंट में वैल्यू आएगी तो बेटा किसी से घटाने जोड़ने पर, तो कोई भी चीजें यदि 5 से डिवाइड करोगे बेटा 70 से तभी भी पॉइंट में आएगी, 2 से गुणा करने पर भी पॉइंट में ही बना रहेगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, जहां पर बेटा बोला गया है प्लस है वहां क्या मान लो डिवाइड का साइन, बात समझ में आई, और जहां पर डिवाइड है वहां क्या मान लो बेटा, तो गुणे का साइन मान लो, यही ऑप्शन बता रहा है, जहां डिवाइड है वहां क्या मान लो गुणे का, जहां गुणे का साइन है वहां कौन सा साइन मान लो आप माइनस का, और जहां माइनस का साइन है वहां पर कौन सा साइन मान लो बेटा प्लस का, सोच कर देखना क्या 18 6 से डिवाइड होगा, निश्चित ही डिवाइड होगा, तो यह एक पॉसिबिलिटी थी, तो 6 से डिवाइड करोगे तो बेटा यह कितना आ जाएगा, 18 कितनी बार कटेगा 3 से, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा, और 21 माइनस कितना आ जाएगा 5 + 2 बेटा 21 2 23, 23 में से 5 घटाओगे तो 18 आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलिए और जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिएगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड से अभिप्राय है बेटा जोड़ना, यानी जहां पर डिवाइड का साइन होगा वहां पर हम करेंगे बेटा एडिशन, उसके बाद से है जहां नेगेटिव का साइन होगा उसका मीनिंग होगी बेटा मल्टीप्लिकेशन, जहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा उसका मतलब होगा बेटा सब्सट्रैक्शन, और जहां पर बेटा एडिशन होगा वहां का मतलब होगा बच्चे डिवीजन, बात समझ में आ गई, साइन कन्वर्जन आपको करना है बेटा, उसके बाद से हमें आंसर देने की जरूरत है। चलो एक बार सोच कर बताओ कौन सा आंसर हमारा हो सकता है और कौन सा आंसर, आसान सा क्वेश्चन है, यदि आप चाहोगे तो कम समय में इसका आंसर दे सकते हो, तो चलो बेटा देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो 10 में से
चार जाएगा तो बेटा कितना आएगा, छह। पहला तो सही हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया भाग करने पर तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है बता बेटा। पहला विकल्प तो निश्चित ही रूप से सही है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस रखोगे तो छह आएगा, माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखोगे बेटा 40 आ जाएगा, और 10 प्लस की जगह पर यदि डिवाइड करोगे तो बेटा 2 बराबर 50 आएगा। तो सी हमारा एक ऐसा ऑप्शन दिखा जो नहीं हो सकता है, तो सी हमारा सही आंसर था। 18 नंबर क्वेश्चन बेटा, सोच कर बताना कौन सा सही होगा और कौन सा आपका सही नहीं हो सकता। चलो एक बार सोचने की कोशिश कर, जहां प्लस है वहां रखना है बेटा इक्वल, बात समझ लो, जहां जहां प्लस है वहां इक्वल, बैलेंस यहीं से बनाना होगा, इस चीज का आप ध्यान। क्वेश्चन में है तो बताइए कौन सा सही विकल्प है, आपको सही विकल्प सोचकर आंसर देने की जरूरत है। जहां बेटा मल्टीप्लाई है यहाँ साइन हो जाएगा प्लस का, जहां बेटा डिवाइड का साइन हो जाएगा वहां हो जाएगा माइनस का, जहां मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा वहां प्लस का, और जहां प्लस होगा वहां बेटा क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर, यानी दो इक्वल है बेटा, तीन इक्वेशन बनेंगे, तीनों को तीनों बैलेंस में होने चाहिए। तो बेटा 7 5 कितना 12, 12 में से 4 गया बेटा 8, तो 8 बराबर तो 8 दिखा, लेकिन बेटा 8 बराबर 10 दिख जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 10 बराबर दिख रहा है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। डिवाइड की जगह पर क्या यूज करोगे बेटा, माइनस का साइन, और जहां पर बेटा माइनस का साइन होगा वहां कौन सा यूज करोगे बेटा, डिवाइड का साइन, और जहां डिवाइड का साइन होगा वहां यूज करेंगे हम बेटा माइनस का साइन, और जहां पर प्लस होगा वहां बराबर, और जहां माइनस का साइन होगा वहां डिवाइड। बड़ा इस क्वेश्चन को देखोगे तो 9 में से 7 गया 2, 7 को 1 से भाग दोगे बेटा कितना आएगा 7, और 9 में से 7 गया बचा कितना 2, और 2 में से 5 घटा कितना बचा -3। अब बेटा इधर कितना आ जाएगा, 1 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -3 आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 आ रही है, बी ऑप्शन हमारा गलत आंसर है। बेटा सी ऑप्शन की तरफ चलोगे तो मल्टीप्लाई की जगह रखना हमें प्लस, और बेटा जहां डिवाइड का साइन रखना वहां रखना है बेटा माइनस, और जहां ग्रेटर देन का साइन होगा, इस वाले साइन को ग्रेटर देन, बेटा यहाँ लेस देन का अर्थ है ग्रेटर देन दिया गया, अच्छा ग्रेटर देन का अर्थ होगा बेटा लेस देन, यह वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए थी इस वाले क्वेश्चन से, मल्टीप्लाई की जगह पर बेटा रखोगे प्लस, और फिर से मल्टीप्लाई आया कितना रखोगे प्लस। सॉल्व करना बेटा, 8 6 14, 14 में से 2 गया बचा कितना 12, 12 छोटा होना चाहिए था किससे, 9 7 कितना 16, 16 5 21 से, तो इक्वेशन कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर बड़ा 19 पर। 19 को एक बार सोच कर रिप्लाई कीजिएगा कौन सा आंसर हमारा सही होगा और कौन सा आंसर सही नहीं होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई की जगह पर बेटा प्लस बनाओ, सोचने की कोशिश करो, कम समय में आंसर दे सकते हो, या इक्वेशन अलग से सॉल्व मत करना, छोटी संख्या दिख रही है डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना ऐड करना सारी चीजें आसान होंगी। बेटा जहां डिवाइड होगा बेटा वहां क्या बना दोगे माइनस, जहां पर प्लस होगा यहाँ रखेंगे बेटा बराबर, या लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, और यह इक्वेशन कौन सी बनेगी राइट हैंड साइड, डिवाइड की जगह पर बेटा रखेंगे माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह पर रखेंगे बेटा प्लस, तो सोचकर बताना आंसर आ सकता है क्या। 8 3 11, 11 में से 1 गया बेटा 10, तो आंसर बेटा यहाँ जा तो माइनस में आ जाएगा, तो कभी भी बैलेंस हो सकता है क्या, अरे उधर 8 3 11, 11 में से 1 गया बचा कितना 10, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा आपका 10, 5 में से 7 गया 7 प्लस 2 बेटा कभी नहीं बन सकता, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे के बारे में सोचना, मल्टीप्लाई की जगह पर कौन सा साइन होगा प्लस का, ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमेशा सीरियल से क्वेश्चन ऑप्शन ना उठाओ बेटा, अल्टरनेट उठाने की कोशिश करो। चलो 5 प्लस कितना बनेगा 3, 3 गुणे का मतलब हो जाएगा बेटा, गुणे का मतलब हो जाएगा प्लस, प्लस का मतलब हो जाएगा बेटा आपका इक्वल, गुणे का मतलब हो जाएगा प्लस, और इसका मतलब प्लस। सोच कर देखो बेटा 5 3 8 8 6 14 बेटा 14 लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, राइट साइड साइड में बेटा 8 2 10 3 13 बन रहा है बेटा, कभी भी आंसर नहीं हो सकता, 14 बराबर इस इक्वेशन से आ रहा 13, बी नहीं आंसर हो सकता। सी के बारे में सोचो, डिवाइड का मतलब होगा माइनस का, और मल्टीप्लाई का मतलब होगा बेटा प्लस का, लेस देन का मतलब होगा बेटा ग्रेटर देन, उसके बाद से डिवाइड का मतलब होगा बेटा माइनस का, और मल्टीप्लाई का मतलब होगा बेटा प्लस का। इक्वेशन के बारे में सोचना, 8 माइनस 4 प्लस बेटा 8 दिया गया है, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 4 गया बचा कितना बेटा 12,
इधर आ जाएगा बेटा 12, और यह वैल्यू तो छोटी ही दिख रही है, दो में से गया एक गुणे तीन बेटा 12, बड़ा होगा 3 से, तो सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे जरा सोच कर आप बताइएगा कौन सा सही और बड़ा कौन सा आपका गलत है। चलो इसको सही कर लेना बेटा, डिवाइड कर लेना और एक जगह पर बेटा क्या कर लेना, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना। तीन आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं तीनों क्वेश्चन में एक चीजें बता देता हूँ बेटा। दूसरे वाले ऑप्शन में डिवाइड का साइन होगा और प्लस का, इधर मल्टीप्लाई का साइन होगा, आप सॉल्व करना। नीचे गलत क्रमों के कारण समीकरण को गलत हो गया, जो इक्वेशन आपको दी गई है बेटा वो रॉन्ग क्वेश्चन दी गई है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया बेटा इनके इसको बेटा सीक्वेंस में यदि हम रखते हैं, अब क्या चेंज करते हैं तो जिससे हमारा बैलेंस बन सकता है, यानी मल्टीप्लाई की जगह पर मल्टीप्लाई रख दें और यहाँ पर बराबर रख दें तो क्या आपका इक्वेशन सही आ सकता है, क्या नहीं बेटा आ सकता है। दो साइन को बदलने की जरूरत, इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। यदि हम दूसरे वाले ऑप्शन पे जाएं तो 16 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 4 और माइनस कितना 3 बराबर 7 आ रहा है क्या, 3 बराबर 7 बेटा, यहाँ तीन ऑप्शन आपके माइनस से लिखने से, 16 डिवाइडेड बाय कितना 4 माइनस कितना 3 बराबर कितना 7, तो बड़ा 4 4 में 3 आ जाएगा, एक बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर साइन एक कोई मिसिंग है बेटा, यहाँ पर एक कोई साइन मिसिंग है, चलो छोड़ देना, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ कोई नंबर होना चाहिए था, यहाँ केवल एक साइन दिया गया था, तो जो हम सोच रहे हो बैलेंस नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि पी का अर्थ प्लस हो, यदि पी का अर्थ प्लस हो, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई हो और आर का अर्थ डिवाइड होगा बेटा कोई साइन, इसके बाद से एस का अर्थ माइनस हो, तो इसका अर्थ 44 से क्यू, क्यू का अर्थ होगा बेटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा 9 से, आर का अर्थ होगा बेटा डिवाइड किससे हो जाएगा तो 12 से। अच्छा उसके बाद यस आएगा, यस का मतलब हो जाएगा बेटा माइनस किससे हो जाएगा 6 से, क्यू का अर्थ हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे 4 से, पी का अर्थ हो जाएगा पी प्लस कितना हो जाएगा 16 बेटा, इससे डिवाइड करोगे तो 12, 4 से काटना बेटा 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12, 3 से काटोगे बेटा कितना आ जाएगा 3, 11 तिहाई कितना हो जाएगा भाई 35 और माइनस इधर कितना हो जाएगा 24 और इधर कितना हो जाएगा बेटा 16, 6 3 9 3 1 4 माइनस कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा बेटा 25, तो 25 इज द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 22 को एक बार सोच कर बताइएगा क्या आएगा। यदि चलो बेटा इस क्वेश्चन को भी मूव करना है बेटा, यदि पता नहीं यहाँ मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन होगा साइन आपका। क्वेश्चन नंबर बेटा 23, 22 के बारे में सोचना, 22 में बेटा यहाँ पर क्या आएगा, साइन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है बेटा, डिवाइड का अर्थ क्या होगा नहीं पता चल रहा है, तो चलो बेटा 23 नंबर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर, 23 नंबर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से इसे सॉल्व करना। 23 नंबर क्वेश्चन यह है कि नीचे दिए गए समीकरण को यदि इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो कौन से विकल्प में यदि साइन के हम क्रम को रखा जाए ताकि हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, तो सोच कर बताइएगा क्या हमारा आंसर होगा बेटा। लिखा गया है 5 और यहाँ पर लिखा गया है बेटा स्टार, चलो तो सोचते हैं क्या रख सकते हैं बेटा। लास्ट में यहाँ दिख रहा है बराबर, तो पहले ऑप्शन पे जाते तो इक्वल किसके आना चाहिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू बेटा 10, लेफ्ट हैंड साइड के बारे में सोचोगे तो बेटा प्लस होगा माइनस होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ सकता है 10 क्या, तो बेटा 5 3 15 10 बेटा कभी भी बैलेंस नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत बेटा। दूसरे वाले ऑप्शन के सोचना जरा, पहले में प्लस दिखेगा तो पहले में यदि आपको प्लस दिखाई देगा तो पहले में प्लस लिखोगे दूसरे में क्या हो जाएगा इक्वल के, तो बेटा 5 प्लस 5 इक्वल होना चाहिए आपके, यहाँ डिवाइड का साइन होगा मेरे भाई, यहाँ याद यहाँ पर भी एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ डिवाइड का साइन होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय कितना होता, तो आप लिखते कि 5 डिवाइडेड बाय बेटा 5 हो जाता, इधर 5 प्लस कितना हो जाता 5 और बराबर किसके हो जाता 3 गुणे कितना हो जाता 10,
आ सकता है क्या भाई? 5 + 5 / 5 बराबर 30 आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आ सकता है। 20 वाले क्वेश्चन के बारे में सोचोगे तो 5 होगा प्लस कितना हो जाएगा, 5 / कितना हो जाएगा, 5 * कितना हो जाएगा, 3 = 10। बिल्कुल नहीं आ सकता बेटा, यहाँ से 1 आ जाएगा तो 5 * 3 = 8 होगा, तो से भी नहीं आ सकता है। डी इज द राइट आंसर होगा, डी को चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। इसके बाद से आते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। डिवाइड के साइन को बेटा बदलने की जरूरत है, इसको किस साइन में बदल दो बेटा? मल्टीप्लाई के साइन। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ यदि हम मल्टीप्लाई का साइन मान लें और जहां पर बेटा मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है वहां पर हम क्या मान लें? डिवाइड को मल्टीप्लाई और 10 को क्या मान लें बेटा? 5। तो पहले ऑप्शन से चलना बेटा, 10 को क्या मानना है? 5। तो 30 / 5 लिखना है, तो डिवाइडेड की जगह पर हमें मल्टीप्लाई सोचना है और 10 और 5 को परस्पर बदलना है। सर 10 और 5 को भी बदलना, तो बेटा 30 डिवाइड को हमें बदलना है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, दो चीजें हो रही हैं, इसको थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना और समझने की आप कोशिश। क्वेश्चन में यह कहा गया है डिवाइड और मल्टीप्लाई, 10 और 5 को परस्पर बदल दें, यानी जहां डिवाइड का साइन है वहां मल्टीप्लाई सोच लें और जहां पर 10 है वहां पर आप क्या सोच लें? 5। तो यदि इस बेस पर यदि आप आंसर दोगे तो क्या आएगा? दोनों चीजें चेंज हो रही है, इस चीज को जरा सोच लेना। चलो पहले को सोचते हैं, 30 में तो कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन जहां पर डिवाइड है वहां पर क्या सोच लेना है? मल्टीप्लाई। और बेटा 5 और 10 को आपस में बदल लेना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 10। और जहां मल्टीप्लाई है वहां सोच लेना हमें डिवाइड, और साइन बदलोगे बेटा 10 की जगह पर क्या आ जाएगा? 5। क्या 24 आ सकता है क्या बेटा? नहीं आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बेटा 60 आएगा, तो पहला तो बिल्कुल गलत। दूसरे पर आते हैं, 30 लिखा गया है, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना है और बेटा 10 की जगह पर 5 सोचना है, और डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करना और 5 की जगह पर क्या सोचना है? 10। 60 राइट हैंड साइड है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड भी 5 से कट करोगे तो बेटा 6 और 6 * 60 = 60, तो बी इज द राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार सोच कर बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन है बेटा 60, आर का मतलब यदि आप निकालोगे तो आर को किसी साइन से रिप्रेजेंट किया गया है और आर का मतलब बताया गया है बेटा माइनस। माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 15। और पी का अर्थ है बेटा डिवाइड किससे बेटा? 3 से। यस का अर्थ है बेटा मल्टीप्लाई किससे? 6 से। क्यू साइन का मतलब है बेटा प्लस किससे बेटा? 4 से। तो 3 से यदि 15 को डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 5। तो 6 * 5 कितना हो जाएगा? 30। तो 60 में से 30 घट जाएगा और बचेगा 30, और 30 में 4 जुड़ जाएगा तो बड़ा बचा जानेगा आपका 34। तो यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस सीरीज में 25 क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस किया, 1-2 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न आपने समझ लिया, आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी, ये चीज़ें ना हो आपके साथ में, दिक्कत कहीं से नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। Thank you.